नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं आपने न्यूज़। परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की हुई है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से किस तरह से जहाँ हरियाणा सरकार को नुकसान हो रहा है, वहीं यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसा ही आज हम आपको एक मामला बता रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सिरसा बस स्टैंड का बूथ नंबर 9 है। सिरसा नौर भादरा के लिए यहाँ से बसें जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सेटिंग की अगर बात की जाए, जो टाइप की बात की जाए, तो वो ये है कि यहाँ पर 1:45 बजे बांसल बस सर्विस की एक बस निकलती है अकॉर्डिंग टू रूल डॉक्यूमेंट के हिसाब से, और उसके बाद 3:05 पर फिर भादरा के लिए एक और बस निकलती है, वो भी बांसल बस सर्विस की ही बस है। लेकिन जो टाइप है, जो सेटिंग है, वो ये है कि 3:05 पर ही एक बस निकलती है। रूट और जो परमिट है वो 2 बसों का है, जी हाँ, 2:45 पर और उसके बाद 3:05 पर, दोनों बसें एक ही टाइम पे एक ही बस चल रही है। दूसरी बस जो है उसको उस रूट के अंदर शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में हालांकि जो विभाग को जो नुकसान हो रहा है वो ये है कि अड्डे के अंदर जो एंट्री होती है, जो चार्जेज जो होता है, वो चार्जेज उस जो मालिक है उसको नहीं देना पड़ता है, और उसके अलावा उसको जो बचत की बात की जाए तो वो ये है कि एक ही बस से काम चल जाता है उसका। उसके लिए ना उसको एक्स्ट्रा बस रखने की ज़रूरत है, ना एक्स्ट्रा ड्राइवर, ना एक्स्ट्रा कंडक्टर, और ना ही हेल्पर की ज़रूरत है। ये सब उसने लंबे समय से ऐसा टाइप चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो नुकसान है वो आम पब्लिक का है। भादरा जाने के लिए जो यात्री है उनका जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी उनको होती है। दरअसल समस्या ये है कि 2:26 के बाद में सिरसा बस स्टैंड से भादरा के लिए कोई सर्विस जो है तो वो है 3:05 पर, यानी कि 40 मिनट तक कोई भादरा के लिए सर्विस नहीं है, और ये लंबे समय से ऐसा चल रहा है, और इसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान होते रहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ, किस तरह का टाइम टेबल है, किस तरह की क्या क्या सर्विस यहाँ पर बांसल बस सर्विस की तरफ से की जा रही है, नहीं की जा रही है, क्या कुछ है। ये है उसका टाइम 15:05 सिरसा भादरा प्राइवेट, तो ये टाइम दोनों 14:26 के बाद में, कहने का मतलब 15:05 तक वो गड्डी वहाँ खड़ी रहती है, 14:26 के बाद में भादरा की सवारी वाला ही बिठा देता है, गड्डी भर जाती है वो 15:05 है भादरा उसका टाइम, यही बंसल की है, और ये भी बंसल का टाइम है 14:45 वाला, ये जाता है 3:05 यहाँ से, ठीक है, लेकिन ये बीच का जो गैप के टाइम है ना, 3 टाइम जो मिस है उसकी भी सवारी यही लेके जाता है। हाँ, तो फिर इसके लिए क्या कुछ इंतजाम? अब इसमें मेरा इंतजाम ये है जी, मेरी गाड़ी है जो नोर की ना, यो सर इसके पहले तो नोर ये जा ही रही है, इससे पहले नोर ये जा रही है, लेकिन समस्या तो है भादरा की। अभी भादरा वाली बस है, इससे पहले 3:05 से पहले किस टाइम जाती है? 2:45 से भादरा है ना, 2:26 के बाद में भादरा की बस है, वो 3:05 भी चलती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो इतना गैप हो गया, तो इसकी जो जो सवारी है वो एक 3:05 वाला ही। हाँ, ये लगता है। अब ये जो मामला है इसके बारे में हम बात करते हैं, सिरसा के जो जीएम हैं उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं क्या एक्चुअल में उनके संज्ञान में ये मामला है, नहीं है, क्या कुछ कहना है। परमिट ले रखा है 2 बसों का, चल एक रही है, तो ये क्या कारण? मतलब ये है कि नहीं, कार्ड तो मैं चेक करूंगा ना। अच्छा, आप बता रहे हो ना, अब तो कंप्लेंट बता रहे हो कि उनको तो मैं चेक करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो रहा है तो गलत है, गलत रोकेंगे कमाल की बात, हम किस लिए फिर यहाँ, सरकार ने किस लिए लगा रखा, हम रोकेंगे। 2 का चलने मतलब है कि 2 गाड़ियों का टाइम एक गाड़ी लेके जा रही है ना, तो उसको हम एक ही गाड़ी जाएगी, दूसरा टाइम हमारा होगा, तो अगर खाली है किसी भी प्राइवेट का गाड़ी टाइम हम उठा सकते हैं, हमारी गाड़ी जाएगी। अगर उसने परमिट एक्चुअल में क्या है, 2 बसों का परमिट है, अलग अलग बसों का है, कोई बात नहीं, परमिट तो 4 का हो कोई दिक्कत नहीं है, 4 का परमिट है, 4 ही गाड़ी चलेंगी, चलनी चाहिए बिल्कुल। अगर चल रही है 2 परमिट पर एक गाड़ी चल रही है तो दूसरी गाड़ी हमारी चलेगी, जो उसका 5 मिनट का 7 मिनट का टाइम है उसमें गाड़ी को उसने निकालना होगा, ये नहीं चलेगा। अगर वो बस नहीं चल रही है तो उसका परमिट भी कैंसिल हो सकता है या क्या रहता है उसके अंदर? उसको हम रिपोर्ट करेंगे आरटीओ को, रिपोर्ट करेंगे आरटीओ को, या राजस्थान का है, राजस्थान की बस है फिर, है ना, राजस्थान रजिस्टर्ड है ना, तो उसके उसके खिलाफ जो है ना विभाग जो कार्रवाई बनती है वो लिखेंगे पक्का, नोट कर लिया है, तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये तो बहुत गलत है। जो लगातार 3 साल से ऐसा हो रहा है, आप तक ऐसी संज्ञान? देखो, बाद का पहले का मुझे पता नहीं, अब क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, आप लोगों ने बताया, किसी ने, मेरे तो इंचार्ज नहीं है, कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई,
हाँ रिपोर्ट आने के बाद अगर लिंगर ऑन हो रहा है तो फिर भी वाकई जिम्मेवारी बन जाती है। अब वो रिपोर्ट आप तक नहीं आई तो उसमें भी इन्वॉल्वेशन आपके कर्मचारियों की हुई? देखो उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता किस किस की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। तो अब तो इसको चेक करने में पता चलेगा। हाँ इसको जैसे दो का एक टाइम चल रहा है, वन मैच चलने में। तो आप देख सकते हैं कि जीएम सिरसा को भी इस मामले के बारे में अभी तक पता नहीं है। हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो इस संबंध में पूरी कार्रवाई करेंगे, लेकिन लंबे समय से इस तरह से दो परमिट लेकर एक बस चलाने का जो ये गोरख धंधा है वो लंबे समय से चलाया जा रहा है। आपका क्या कुछ कहना है इस सेटिंग के बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। बंसल बस के कंडक्टर हैं आप? हाँ। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? हो गया 8-7 साल। अब रेगुलर आप इसी बस पे कंडक्टर हैं? इसी पर। कितनी बस चल रही है इस रूट पे बंसल की? एक चल रही है। कितने टाइम से एक चल रही है? 7-8 साल से ही चल रही है। परमिट दो का नहीं है क्या? वो माने ध्यान को निभानी दे रहा आप नहीं, अब चल तो एक ही रही है ना। तो सुना आपने किस तरह से ये कंडक्टर खुद बता रहे हैं कि पिछले 8 साल से वो यहाँ इस बस पे कंडक्टर हैं और सिर्फ एक बस चल रही है और बाकायदा जो परमिट है वो दो बस का है। ऐसे में किस तरह का फर्जीवाड़ा, किस तरह से यहाँ पर मिली भगत से इस तरह का ये एक फर्जीवाड़ा यहाँ पर किया जा रहा है। अवैध रूप से एक बस चलाकर दो बस का परमिट लेकर जो अवैध रूप से सवारी ढोने का जो काम है वो बाकायदा इस विभाग के मिलीभगत के आधार पर ये किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर के बाद में विभाग किस तरह से इस तरह की ये जो लापरवाही कहें या फिर फ्रॉड कहें इस पर किस तरह से अंकुश लगाता है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए।